देविका चाहे तो ऐसा हो सकता है। मुलाकात इतनी बदसूरत हो जाएगी सोचा भी नहीं था मैं। अच्छा खासा तमाशा हो गया वहां पर, और महेंद्र साहब तो जैसे अपने दिमाग के सारे खिड़की दरवाजों को बंद ही कर लिया, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने बंद नहीं किए, करण ने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा के दिमाग के दरीचे पर इतने बड़े बड़े ताले मार दिए। मैं कभी कभी मैं इस करण की हैवानियत की तारीफ करता हूं, अपने शिकार को सहला सहला कर चाट चाट कर फिर एकदम से दांत गाड़ देता है। वरना केशव मल्होत्रा के जमाने में मजदूरों को सबसे ज्यादा भरोसा महेंद्र मल्होत्रा पर हुआ करता था, और वही मजदूर आज महेंद्र मल्होत्रा से ज्यादा किसी और से नफरत नहीं करते। कहना पड़ेगा करण ने मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा की कायापलट कर दी है, मानना पड़ेगा। इधर महेंद्र साहब को खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ऊपर ऐसी बेखुदी छाई हुई है कि वो क्या कर रहे हैं, हश्र क्या होगा, होश ही नहीं है। जिस सुर में मैंने उनसे बात की है नमिता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से बात करनी पड़ेगी, और अब उनके खिलाफ ये केस, पता नहीं मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं। सुनील, जो आदमी गलत है गलत है, उस पर कोई रियायत नहीं होती। लेकिन गलत करण है, यह गलतियां महेंद्र मल्होत्रा से वो करवा रहा है। मेधा, हम छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं सुनील। कल अगर किसी के बहकावे में आकर तुम कोई गुनाह कर बैठे हो तो गलती तुम्हारी भी होगी, क्योंकि तुम किसी के बहकावे में आए थे। और फिर मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा की उम्र वाला तजुर्बेकार आदमी अगर गलती करता है तो उसकी उसे कोई माफी नहीं दी जानी चाहिए। मेधा, अच्छे खासे नामी तजुर्बेकार सर्जन को अगर अपने पिता का ऑपरेशन करना पड़े तो उस डॉक्टर के हाथ तो कांपेंगे ही ना, जिस सीने की गोद में उसका बचपन गुजरा हो, उस पर छुरी चलाना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मेरी जिंदगी में महेंद्र मल्होत्रा का दर्जा वैसा ही हो चुका था। जिस बदतमीजी से मैंने उनसे बात की, अगर किसी पराए आदमी को उनसे बात करते हुए देखता तो शायद उस आदमी की जबान खींच लेता। और अब सुनील वर्मा को उनके खिलाफ एक पूरा केस लड़ना है, महेंद्र मल्होत्रा को मुजरिमों के कटघरे में खड़ा करके इस उंगली को उठा उठा के उन पर इल्जाम लगाना है। कमाल ही है रिश्ते भी नहीं, इनकी सीढ़ियां भी अजीब सी ही होती, जब आप इनमें गहरे उतरते चले जाते हैं तो ये सीढ़ियां कालीन के रेशे जैसे हो जाती, और जब आपको बाहर निकलना होता है तो अंदर बाहर सब छलनी हो जाता है, और अगर आपके जिस्म में लहू है तो फिर आप लहूलुहान हो गए। सुनील, फर्ज के लिए गहरे से गहरे रिश्ते से भी बाहर आना पड़ता है। मेधा, ऋषभ आने वाला है? हाँ, पहुंचता ही होगा। तो भाई ये हाथ छोड़िए वरना उसे गलतफहमी हो जाएगी। अगर गलतफहमी होनी ही है तो फिर इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो उसमें कोई कमी ना रहे इसलिए मैं आपका दूसरा हाथ भी पकड़ लेती हूँ। Hey, देविका अगर चाहे तो तुम्हारा काम हो सकता है। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी नैया पार लगाने, वरना तुम डूब जाओगे। मुझे मरना मंजूर है देविका, लेकिन तुम्हारा सहारा मंजूर नहीं। चली जाओ यहां से।